मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ पेज नंबर 59 एंड पेज नंबर 60. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑफ पेज नंबर 59, दैट इज एक्सरसाइज 4F. क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज रुपीज 85. हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय 6 सच टॉयज. सो डियर स्टूडेंट्स, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था अगर हमें वन थिंग का कॉस्ट गिवन हो और हमने वैसे ही नंबर ऑफ थिंग्स का कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं, वन थिंग के कॉस्ट को नंबर ऑफ थिंग्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हेयर वी हैव कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज रुपीज 85. तो कॉस्ट ऑफ सिक्स टॉय कितना आ जाएगा, फिर रुपीज 85 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स वन टॉय के कॉस्ट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मैंने साइड में ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितना आंसर आ रहा है, रुपीज 510. क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 15 फ्लावर्स ऑन वन प्लांट, हाउ मेनी फ्लावर्स कैन बी प्लक्ड फ्रॉम 35 सच प्लांट्स. तो फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम वन प्लांट इज इक्वल्स टू 15. हमें ये गिवन है कि वन प्लांट से हम फ्लावर्स जो हैं वो प्लक्ड कर सकते हैं 15. हमने फाइंड आउट करना है कि 35 प्लांट से हम कितने फ्लावर्स प्लक्ड कर सकते हैं. तो फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम 35 प्लांट्स इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 35. मीन्स हमने क्या किया, वन प्लांट से जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हमने प्लक्ड किए उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 35 से. तो देखो साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितना आंसर आ रहा है, 525 फ्लावर्स. तो क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 10 बटन्स इन वन शर्ट, हाउ मेनी बटन्स आर नीडेड फॉर 60 सच शर्ट. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें गिवन है वन शर्ट पे हम 10 बटन्स लगा सकते हैं, तो 60 शर्ट्स के लिए हमें कितने बटन की ज़रूरत है फिर. तो नंबर ऑफ बटन्स इन वन शर्ट इज इक्वल्स टू 10. तो नंबर ऑफ बटन्स इन 60 शर्ट्स इज इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे, वन शर्ट पे जो बटन है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब हमने 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 600. कैसे आया ये, वन को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ जीरोज हैं 2, वो साथ में लगा देंगे, तो बन जाएगा 600. इट मीन्स 60 शर्ट्स के लिए हमें 600 बटन्स की नीड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ वन स्कूल बैग इज रुपीज 75, बट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बैग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वन स्कूल बैग का कॉस्ट गिवन है रुपीज 75 और हमने कॉस्ट ऑफ 25 स्कूल बैग्स जो है वो फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, वन बैग का जो कॉस्ट है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब साइड में ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, जब हम 75 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1875. नौ पेज नंबर 60 पे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे. अब हाउ मेनी डेज आर देयर इन 15 ईयर्स विद 3 लीप ईयर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीप ईयर क्या होता है, पहले उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. तो लीप ईयर बेटा वो ईयर्स होते हैं जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. जैसे 2020 जो है, अभी हमारा जो ये चल रहा है, ये लीप ईयर है, ठीक है. जैसे और भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 2016. तो ये वो ईयर्स हैं जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है. और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फेब मंथ होता है वो उसमें 29 डेज होते हैं. वैसे जो वन ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं 15, उसमें से 12 हमारे नॉर्मल ईयर हैं और 3 लीप ईयर्स. तो सबसे पहले हम 12 ईयर्स में नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे, फिर 3 लीप ईयर्स में नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ डेज इन वन ईयर इज इक्वल्स टू 365, नंबर ऑफ डेज इन 12 ईयर्स इज इक्वल्स टू 365 मल्टीप्लाई बाय 12. तो मैंने साइड में इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आ रहा है हमारे पास 4380 डेज. इस तरह से हम नंबर ऑफ डेज जो है वो 3 लीप ईयर्स में भी फाइंड आउट कर लेंगे. देखो वन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 3 लीप ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे, 366 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 are 18 आंसर में लिख लेंगे और 1 कैरी माइंड में रखेंगे. नाउ 3 6 are 18 प्लस 1 कैरी प्लस कर लेंगे, 19 बन जाएगा, 9 आंसर में लिख लेंगे और 1 कैरी माइंड में रखेंगे. नाउ 3 3 are 9 प्लस 1 10, इट मीन्स 1098 डेज.
नाउ टोटल नंबर ऑफ डेज इन 15 ईयर्स. सो सबसे पहले जो 12 ईयर्स में हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किए हैं वो लिख लेंगे. फिर 3 लीप ईयर्स में जो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किए हैं वो लिख लेंगे. अब दोनों को हम साइड में प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 5478 डेज